तो गाइस काफी टाइम के बाद आज मैं आप सभी के लिए आउटडोर वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यार इस बात पे एक लाइक तो बनता है नहीं। तो फिलहाल अभी अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर जिस वीडियो को आप देख रहे हो, आप अगर इंस्टाग्राम रील्स पर एक्टिव हो तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि ये जो सॉन्ग अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, साथ ही में इन लड़कियों के वीडियो में काफी ज्यादा व्यूज मिले हैं। 32 मिलियन व्यूज है जब मैं इस वाले वीडियो को बना रहा हूँ। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना इस वाले वीडियो का यूज करके कुछ इस तरह का वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो बीच बीच में आपको मेरा फोटो देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों आप भी अगर इस टाइम पे इस सेंटर फ्रूट कैसी जी बताई, तो गाइस आप भी अगर इस टाइम पे इस तरह का वीडियो बना के इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करोगे तो दोस्तों आपका जो वीडियो है वो वीडियो वायरल हो सकता है। अरे देवा। तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिखेगा सब्सक्राइब करके, चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, देन आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो को मैं एडिट करने के लिए VN वीडियो एडिटर ऐप का यूज करूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो VN वीडियो एडिटर ऐप है मेरा यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब साथ ही आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना होगा, प्रेफरेंस वाले ऑप्शन में जाके डिफॉल्ट फोटो ड्यूरेशन एंड ट्रांजिशन का जो ऑप्शन है इस पर आके यहाँ पर आपको 0.50 सेकंड के लिए आप यहाँ पर कर दीजिएगा। करने के बाद आपको यहाँ पर बैक करना है। अब साथ ही आपको इस वाले प्लस के मार्क पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों आपको इस वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहां पर गाइस आपको इस वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन से इस वाले वीडियो को डाउनलोड करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको अपने वीडियो के लास्ट में जाके जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है इसको आपको एडिट करके हटाना है। अब अपने वीडियो के स्टार्टिंग तरफ में चले आइएगा, आने के बाद वीडियो को आपको प्ले करना होगा और यहाँ पर गाइस अभी आपको 2.48 सेकंड पे आपको यहाँ पर आना होगा। आने के बाद अभी आप यहाँ पे एड स्टिकर एंड PIP वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पर साथियों फोटो को सिलेक्ट करना होगा, देन यहाँ पर आपका जिस भी फोल्डर में फोटो है उस वाली फोल्डर को आपको यहाँ पर ओपन करना है और यहाँ से अभी आपको अपना जो फर्स्ट वाला फोटो है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी आप यहाँ पर नीचे में अगर देखोगे तो गाइस आपको फिट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको फिट पर क्लिक करके वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लेना है। अब इसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों बढ़ा के आप यहाँ पर 1 सेकंड के लिए कर दीजिएगा। दोस्तों देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पर 1 सेकंड के लिए कर दिया है। अब आपको इसका जो एंडिंग पोजीशन है इस जगह पे आपको आना होगा, वापस से एड स्टिकर एंड PIP वाले ऑप्शन पर जाके अभी आपको अपना जो सेकेंड वाला फोटो है उस वाली फोटो को अभी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों देख सकते हो मेरा जो सेकंड फोटो है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको नीचे में जो फिट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में कीजिएगा। अब इसको पकड़ना है, देन नीचे में आप यहाँ पे ले आइएगा। लाने के बाद दोस्तों ये एक हो गया। अब गाइस इसका और 3 को डुप्लीकेट बनाना है, तो देखते ये सेकेंड हुआ और इसको पकड़िएगा, यहाँ से ऐड कीजिएगा, वापस इसका डुप्लीकेट बनाइएगा, इसको यहाँ से ऐड कीजिएगा, इसका डुप्लीकेट बनाइएगा, इसको यहाँ से ऐड कीजिएगा। टोटल मेरे यहाँ पर देख सकते हो 5 फोटो हो गया है, बट एक ही फोटो मेरे यहाँ पर 4 बार रिप्लेस हुआ है, तो उसी चीज़ को मुझे यहाँ पर रिपीट करना ही करना है, मुझे यहाँ पर अलग फोटो डालना है। उसके लिए मैं इस वाले फोटो को छोड़ के इस वाले फोटो पर क्लिक करूँगा, रिप्लेस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से दोस्तों मेरा जो तीसरा वाला फोटो है उस वाली फोटो को मैं यहाँ पर अभी सिलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से गाइस बाकी जो 2 फोटो है इन पर भी मैं यहाँ पर सेम चीज़ कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो मैंने यहां पे अलग अलग फ़ोटो मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों वीडियो को आपको अपना प्ले करना होगा, प्ले करके गाइस अभी आपको यहां पे 6.91 सेकंड पे आप यहां पर आ जाइएगा, देख सकते हो 6.91। अब आपको वापस से एड स्टिकर एंड PIP वाले ऑप्शन पर जाना होगा, फोटो वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर जाइएगा और यहाँ अभी दोस्तों आपको अपना जो नेक्स्ट फ़ोटो है उस वाली फ़ोटो को अभी आप यहाँ पर सिलेक्ट करके टाइम लाइन पर ले आइएगा। दोस्तों देख सकते हो मेरा जो फोटो यहाँ पर टाइमलाइन में आ चुका है। अभी सेम आपको फिट पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में करना होगा और इसका दोस्तों आप यहाँ पे डुप्लीकेट बनाइएगा, इसका डुप्लीकेट बना लिए, अब इसका एक डुप्लीकेट बनाइएगा, इसको यहाँ से ऐड किए, इसका एक डुप्लीकेट बनाइएगा, इसको यहाँ से ऐड कर दीजिएगा। देखिए टोटल मेरा यहाँ पर 4 फोटो हो गया है। अब फर्स्ट वाले फोटो को छोड़ के अगले वाले फोटो पर क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से गाइस अभी आपको अपना दूसरा फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा।
जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे फोटो को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। अब दोस्तों आपके किसी भी फोटो पे एक बार क्लिक करना होगा। नीचे में आप यहाँ पे अगर देखोगे तो एक एफएक्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको साथियों इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप स्टार्टिंग तरफ में चले आइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो एक्सपेंड वाला है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब साथियों आपका जो फर्स्ट वाला फोटो है जो एक सेकेंड के लिए किए हो, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एफएक्स वाले ऑप्शन में जाके जो ब्लैक है इसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको ओके प्रेस कर लेना है। फाइनली दोस्तों आपका वीडियो यहाँ पे रेडी हो गया है। अब दोस्तों मैं अपने वीडियो को अगर प्ले करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से मेरा वीडियो दिखेगा, देख सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके इस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर कुछ इस तरह का वीडियो एडिट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर में यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। 1080 FPS को 60 और बिटरेट को हाई में रख के अपना वीडियो को दोस्तों आप यहां पर सेव कर लीजिएगा। गाइस आप अगर मेरे लास्ट दो वीडियो को नहीं देखे हो तो आप इन दोनों जगह पर क्लिक करके देख सकते हो। यहां पर आपको मेरे चैनल का लोगो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी एडिटिंग वाले वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।